ये ले लाची, इतने गहने हैं और जाके देख के कितने पैसे मिलते हैं, और अगर कम पड़ गए तो हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। रुको दीदी, ये सब ठीक नहीं है माई। इसे मत रोक राधा, लाची जो कर रही है वो ठीक कर रही है। हमें हर हाल में हमारा बेटा वापस चाहिए। क्या बात है माई, आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है? सुबह से कोई खाने को भी पूछने नहीं आया, सब भूख हड़ताल पर हैं क्या? अरे हम कुछ पूछ रहे हैं, सुनाई नहीं देता क्या? कहां मर गई तुम्हारी दोनों बहुएं? सुबह से हमको चाय तक नहीं पूछी। काकी जी, चाय हमें नहीं पीनी है, इसे दे दे, कर्जदार है ना इसके हम, इसे चाय नहीं मिलेगी तो मुंह भी बंद नहीं होगा इसका। हमें नहीं पीनी ये चाय। राम राम भैया। राम राम। राम राम, आइए बिराजिए। बहुत दिनों के बाद आनुआ। ए छोटू, अरे बहुओं के लिए चाय पानी ला। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे, घर की बात है। बोलिए क्या दिखाऊं? ये नए डिजाइन के हार आए हैं, ये देखिए, गले में खूब जचेंगे। देखिए हम यहाँ पर कुछ खरीदने नहीं आए हैं, बल्कि बेचने आए हैं। इतनी सुबह सुबह लाची और राधा गई कहाँ होंगी? कोई ना कोई बात तो जरूर है, वरना बुढ़िया को इस तरह पसीना नहीं आता हमसे बात करते समय। कल की हम तुम्हारे लिए काफी बनाकर लाए हैं। हमने सोचा बरसात का मौसम है तो काफी पीकर तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। लो पी लो काफी। और कुछ पका के लाए तुम्हारे लिए? तुम्हारे बाप की मक्खन की दुकान है, जब देखो हमें मक्खन लगाने चली आती हो। बेकार की मेहनत कर रही हो, हम पर कोई असर नहीं होने वाला। चलो जाओ यहाँ से। रुको। ए फुलमन, कहाँ ध्यान रहता तेरा? कैसा रस बनाया ये? नमक नहीं है इसके अंदर, बिना मसाले के हम कैसे रस पियेंगे? बोल। ऐसे कैसे हो सकता है? हमें अच्छी तरह से याद है कि हमने रस में मसाला और नमक डाला था। चाहो तो काकी जी से पूछ लो, वो भी तो थी तभी रसोई घर में। बहुत जबान चलाते है तू, हैं? अरे हम पागल हो गए हैं? हैं? अरे हमारा मुंह का स्वाद बिगड़ गया है तो एक देंगे कल। अरे माफ करना कल की जी, गलती हो गई। बापू ठीक ही कहते हैं, गुस्से में आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, अंधा हो जाता है, फिर कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देता। चुप।